जय माता की। मैं आपको एक कार्डिगन का बहुत ही सुंदर डिजाइन बताने जा रही हूँ, जो कार्डिगन में और स्वेटर में बहुत सुंदर लगता है। इसके लिए मैंने 14 के मल्टीपर्पज से फंदे डाले हैं प्लस वन, तो 42 और 43 फंदे हो गए इसमें। अब हम इसको डालना शुरू करते हैं। पहला फंदा हमने बिना बुना उतार लिया है और अब धागा अपनी तरफ करके हम इसमें पहले जाली बनाएंगे, ये एक, और 5 फंदे इसी तरह बुन लेंगे, 2 3 4 5। हमने 5 फंदे बुन लिए हैं। अब हम ये 2 फंदे उतार कर इस तरह सीधे कर लेंगे, ये बीच का फंदा आगे आ जाएगा। और अब हम यहाँ पर 3 का 1 कर देंगे, ये इस तरह, और फिर ये फंदा हम इस पर लेकर इसके 1 के 5 बनाएंगे। 1, ये हमें निकालना नहीं है, एक फंदा हमने बुन लिया, फिर धागा अपनी तरफ करा, फिर हम जाली बनाते हुए इस तरह 2 फंदे और बनाएंगे। तो अब हमारे 3 फंदे हो गए, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ करा और फिर एक जाली बनाते हुए एक और फंदा बना दिया, 5। अब एक फंदे के हमारे 5 फंदे हो गए हैं। अब हम यह तो इसको उल्टी सिलाई में भी 5 का 1 कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको एक एक करके भी घटा सकते हैं इस तरह। ये पहला फंदा हमने अलग कर दिया और ये हमने पहले ही ये दूसरे वाला फंदा लेकर ये इसके ऊपर से इस तरह उतार देना है। अब दूसरा फंदा अब हमने इस तरह करके हम ये 4 फंदे इस पर से उतार देंगे, 2 3, अरे किए 4। और फिर धागा पीछे करके हम ये फूल आगे कर लेंगे और 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। एक, 2 3 4 5, 5 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब हम यहाँ पर 2 जाली इकट्ठी बनाएंगे, एक धागा अपनी तरफ करा और एक ये जाली बन गई, फिर धागा अपनी तरफ करा। अब ये जाली बनाते हुए हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, अरे ये 5। और फिर पहले जैसे हमने यहाँ पर 3 का 1 करा था, इसी तरह यहाँ भी पहले हम ये बीच का फंदा लेके ये 2 फंदे लेकर इसे घुमाकर हम सीधे कर लेंगे, और फिर ये 3 का 1 कर देंगे इस तरह, और फिर सीधा करके ये फंदा हम सिलाई पर ले लेंगे। अब हम इसके 5 बनाएंगे, 1, सीधा का अपनी तरफ करा और ये जाली बनाते हुए 2 3, हमें ये फंदा उतारना नहीं है, फिर धागा अपनी तरफ करा, इसी में से ये दोबारा बुनना है, ये 5 फंदे हो गए। अब आप या तो इस तरह एक साथ भी घटा सकते हैं 5 फंदों को, जिस तरह आपको आसानी से लगे उस तरह आप कर सकते हैं, 4 1 2 3 4। ये उल्टी सिलाई में की तरफ करके
पांच फंदे एक साथ सिलाई में लेकर आप इस तरह भी घटा सकते हैं इन्हें। और फिर फूल को ये आगे करके ये पांच फंदे हम सीधे बुन लेंगे। एक दो तीन चार पांच, और फिर धागा आगे करके ये उसी तरह जाली बनानी है। एक और फिर पांच सीधे, ये पूरी सिलाई इसी तरह बुनी जाएगी। ये उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बुनी जाएगी। ये हमारी सिलाई पूरी हो गई है और ये डिजाइन बनना शुरू हो गया। अब हमारी थर्ड रो, पहला फंदा हमने बिना बुना उतार लिया है और ये जाली का फंदा बनाया था हमने, अब इसको भी पहले हमने बुन लिया है। अब यहाँ जाली बनाते हुए हम चार फंदे बुनेंगे। एक दो तीन चार, और फिर हम ये बीच का और ये दो फंदे लेकर इस तरह इन्हें सीधे कर लेंगे। और फिर ये तीन का एक कर देंगे इस तरह। और फिर इस फंदे को इस तरह सीधा लेकर हम इसके एक के पांच बना लेंगे। एक, फिर धागा अपनी तरफ लेकर इस फंदे को में से ही जाली बनाते हुए दोबारा बुनेंगे। तीन, फिर दोबारा धागा लेकर अपनी तरफ, फिर एक बार और। ये हमारे पांच फंदे हो गए हैं। अब हम इसको इस तरह एक आगे का ये फंदा छोड़कर ये दूसरा फंदा लेकर इस पर से इस तरह उतार देंगे। एक एक करके ये चारों फंदे हम इस पर से उतार देंगे। दो, ये दो, चार, हमारे चारों फंदे उतर गए हैं। अब इसे फूल को हम इस तरह करके अब चार फंदे हम सीधे बुनेंगे। पहले पांच थे, अब हमारे ये चार रह गए हैं। एक, दो, तीन, चार। चार से फंदे सीधे बुन लिए। अब हम धागा अपनी तरफ लेंगे और जाली बनाएंगे इस तरह। एक, अब ये तीनों सीधे बुने जाएंगे। दो, अरे ये तीन, फिर धागा अपनी तरफ, फिर ये चार रह गए, चार बुने जाएंगे। एक, दो, तीन, चार। अब ये पांच, फिर अब हम इस ये बीच के एक अरे दो दूसरे फंदे में से इस तरह सिलाई लेकर इस तरह हम इसको सीधा कर लेंगे। और फिर ये दो और एक ये तीन, ये तीनों का एक कर देंगे। फिर ये फंदा इस तरह इस पर लेकर अब हम इसके पांच बनाएंगे। ये एक, फिर धागा अपनी तरफ लेकर, फिर ये तीन, फिर धागा अपनी तरफ लेकर, दो इसमें जाली बन जाएंगी और तीन फंदे वैसे पांच फंदे हो जाएंगे। पांच फंदे हो गए। अब आप चाहे कैसे भी घटा सकते हैं, चाहे पीछे से घटा सकते हैं।
या इस तरह भी पहला फंदा छोड़कर ये इस तरह दो तीन और एक ये चार, हमारे ये पांचों फंदे एक हो गया है। फिर हम इसे आगे करके फिर इसको चार फंदे उसी तरह बुन लेंगे। एक दो तीन चार, फिर धागा अपनी तरफ ये जाली बनाएंगे। ये तीन फंदे हमारे सीधे, ये पूरी रो इसी तरह बुनी जाएगी। हमने उल्टी सिलाई बुन ली है और हमारी ये फली बननी शुरू हो गई है। अब पांचवी सिलाई, ये पहला फंदा हमने उतार लिया है और ये दो सीधे बुन लिए हैं, एक दो। अब हम यहाँ जाली बनाएंगे और ये तीन बुने जाएंगे। पहले पांच थे फिर चारवे, अब ये तीन रह जाएंगे। तो एक दो देखिए तीन, और फिर ये पहले की तरह ही इसको इस तरह सीधा करके ये तीन का एक करा जाएगा। और फिर इसको इस पर उतार कर इसके एक के पांच बनाए जाएंगे, एक दो तीन चार पांच। और आप जिस तरह चाहे उस तरह इन्हें घटा सकते हैं। फिर तीन फंदे हमने बुन लिए हैं, अब धागा अपनी तरफ करके हम जाली बनाएंगे। ये एक दो तीन चार, अरे अभी हमारे ये हो गए हैं पांच। बीच के ये पहले एक था फिर तीन हुए, अब पांच हो गए हैं। अब धागा अपनी तरफ और फिर एक ये जाली बनाते हुए, फिर ये दो और एक ये तीन, ये इस तरह सीधा करके ये तीन का एक। देखिए तीन, फिर धागा अपनी तरफ और ये हमारे पांच फंदे हो गए जाली बनाते हुए। ये पांच, एक दो तीन, पूरी रो इसी तरह बुनी जाएगी। हमारी ये छह सिलाई पूरी हो गई है। अब ये सातवीं सिलाई, पहला फंदा हमने उतार लिया है, अब हम ये सीधे बुनेंगे। एक दो तीन, हमारे तीन सीधे हो गए। अब हम यहाँ जाली बनाएंगे और एक ही सीधा बुनेंगे, एक और एक ही दो। अब हमारे ये दो फंदे रह गए सीधे, और अब हम ये दो फंदे उतार कर और इस तरह घुमाकर सीधा कर लेंगे। और फिर एक ही फंदा लेकर तीन के एक कर देंगे। फिर ये फंदा इस पर उतार कर ये एक के उसी तरह पांच, एक धागा अपनी तरफ दो, फिर धागा अपनी तरफ ये तीन पांच, और ये दो फंदे सीधे, एक और एक ये दो। और फिर धागा अपनी तरफ करके जाली बनाते हुए, अब हमारे ये हो गए हैं एक दो तीन चार पाँच छः देखिए सात। फिर धागा अपनी तरफ, अब दो फंदे सीधे, एक और एक ये दो। अब ये दो फंदे उतार कर इस तरह घुमाकर हम सीधे कर लेंगे। फिर ये
तीन का एक कर देंगे। फिर एक और एक ये दो, फिर इधर अपने तरफ ये जाली बनाते हुए बंदे बुन लेंगे। ये पूरी रो इसी तरह बुनी जाएगी। ये हमारी सिलाई पूरी हो गई है। अब हमारी अगली सिलाई, ये बिना बुना उतार लिया है, ये हम एक दो तीन और एक ये चार सीधे बुन लेंगे, दस घा अपनी तरफ। अब हमारा ये एक फंदा रह गया है, और अब ये बीच का और ये दो फंदे उतार कर हम इस तरह घुमाकर सीधे कर लेंगे, और ये का एक एक दो तीन एक चार पाँच। ये हमने एक सीधा बुन लिया है। अब जाली बनाते हुए ये हमारी अब होगी नौ जाली, एक दो तीन सॉरी नौ फंदे, चार पाँच छ सात आठ अरे ये नौ। धागा अपनी तरफ, एक फंदा हम सीधा बनेंगे और ये इस तरह सीधा करके तीन का एक बना देंगे। दो तीन चार पाँच एक सीधा। अब ये सीधी सिलाई, हमने ये फंदा उतार लिया है, और ये हमने एक दो तीन चार ये फंदे सीधे बुन लिए। अब ये धागा अपनी तरफ, और अब हम ये बीच का फंदा लेके ये दो फंदे करके इसे इस तरह घुमा लेंगे, और ये तीन का एक कर देंगे इस तरह, और फिर ये फंदा इधर लेकर उसी तरह एक दो तीन ये पाँच। फिर ये धागा हम अपनी तरफ कर लेंगे, और ये जाली बनाते हुए अब हमारे हो गए फंदे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और एक ये ग्यारह। फिर धागा हम अपनी तरफ ले लेंगे, और ये इस तरह घुमाकर तीन का एक करेंगे। और फिर धागा अपनी तरफ, और ये जाली बनाते हुए हम ये रो पूरी करेंगे इसी तरह। ये हमारी डिब्बी पूरी हो गई है। अब ये फली सुंदर लग रही है। अब दोबारा डिब्बी सुकरने के लिए अब यहाँ एक फंदा रह गया। अब यहाँ तो जाली बनेगी, एक के तीन होंगे, और जो यहाँ ये फंदे हैं इनका वही पांच बुनकर फिर तीन का एक करके इसी तरह फ्लावर बनाया जाएगा। ये इस तरह किनारे पे छह फंदे हैं, तो हम यहाँ दो का एक कर देंगे यहाँ, और फिर हम ये पांच बुन लेंगे, एक दो तीन
ये हमारे पांच फंदे हो गए, एक दो तीन चार पांच, और फिर ये एक फंदा है, ये धागा अपनी तरफ करके इस पे इस तरह जाली बना देंगे। और फिर एक दो तीन चार, ये पांच फंदे बुनकर हम ये, फिर ये फंदा इधर से घुमाकर सीधा कर लेंगे दो फंदे, और फिर ये तीन फंदे लेकर हम ये तीन का एक कर देंगे। फिर यहाँ उसी तरह फ्लावर बनाएंगे, एक के पांच बनाकर उसी तरह फ्लावर बनाएं, ये फ्लावर बनाकर ये फिर पांच फंदे बुन लेंगे, एक दो तीन चार, देखिए पांच। और फिर ये इस फली पर इस तरह जाली बनाते हुए दोनों तरफ इसी तरह ये डिजाइन डलेगा सारा, एक दो तीन चार ये पांच, ये उसी तरह तीन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।